एक विधानसभा से पूरे मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री, पूरे मध्य प्रदेश की कुर्सी हिलेगी मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए। 2014 में मोदी जी को वोट दिए कि अच्छे दिन हमारे आएंगे। किसान आंदोलन का कोई असर दिख रहा है यहाँ पर? पूरा पूरा है भाई, बताओ 14-15 रुपए बोरी खाद मिल रही है, वहाँ सरकारी में जाओ तो 1000 लाइन लगती है, यही सब दिक्कत है। तो सतना में और यहाँ क्या फर्क देखने को मिलता है आप लोगों को, कुछ बताएंगे? सयान तो आप हैं, आप से सयान कौन है यहाँ पे? बीजेपी के जो दबंग लोग हैं उनके द्वारा कब्जा किया गया है। नमस्कार, मैं हूँ अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रायगांव विधानसभा के उपचुनाव के महारण में हम मौजूद हैं। क्या लगता है इस बार कैसा माहौल चल रहा है? कांग्रेस एक तरफा, एक तरफा। कारण? कारण ये खाद महंगाई कर दिया, डीजल पेट्रोल महंगाई कर दिया। आप किसान हैं? बिल्कुल जी। आपका शुभ नाम? अनूप सिंह। तो अनूप सिंह जी, और कौन सी समस्याएं, जैसे 30 सालों तक यहाँ पर विधायक जी रहे, पूर्व विधायक, जिनकी मृत्यु के बाद ये उपचुनाव हो रहा है, उसके बाद भी बीजेपी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिख रही? भाई यही है ना, किसान ये इस तरह पूरे किसान है। 1400 रुपए ब्लैक में 1500 रुपए डीएपी देते हैं। और नहर वगैरह की व्यवस्था है यहाँ? कहाँ, कुछ नहीं, काम है अधूरा पड़ा है 2 साल से। अच्छा ये बताइए कि आपकी भी काफी उम्र हो चुकी है, लगभग अभी तक जितने विधानसभा चुनाव हुए तो उनमें सबसे अच्छा काम किसने किया? क्योंकि 2 बार कांग्रेस आई, 6 बार तो यही जुगल किशोर बागरी रहे, लेकिन उसके पहले और कांग्रेस के जमाने में कैसा काम हुआ कुछ? अरे कांग्रेस में उतनी उम्र नहीं ना मेरी। अच्छा, आपकी उम्र ज्यादा नहीं हुई अभी तो, मेरी 30-35 उम्र है जी। लेकिन इस बार एक तरफा जो है कांग्रेस का पूरा। किसान आंदोलन का कोई असर दिख रहा है यहाँ पर? पूरा पूरा है भाई, बताओ 14-15 रुपए बोरी खाद मिल रही है, वहाँ सरकारी में जाओ तो 1000 लाइन लगती है, यही सब दिक्कत है। और भैया आप बताइए, आपकी ही ये शॉप है? हाँ हमारी ही है जी। यहाँ पर कई सारे लोग आते होंगे सुबह से शाम तक, तो आपको क्या लगता है कैसा माहौल है? कांग्रेस। आप भी कांग्रेस को ही सपोर्ट करते हैं? तो हाँ कांग्रेस, पहले बीजेपी में थे, अब कांग्रेस सपोर्ट कर रहे हैं। डीजल खाद महंगाई, महंगाई बहुत है, खाद बहुत महंगी है, 1800-1500 रुपए ब्लैक लिस्ट चल रहा है सब ऊपर से नीचे तक। सरकारी उसमें समोसा भी तो आपका महंगा हो रहा है कह रहे हैं, 5 रुपए में आज भी समोसा बिक रहा है, 7 रुपए कर दो तो बोलते हैं महंगा हो गया महंगा हो गया। हमारी राई जाती है 50 रुपए में, तेल आता है 200 रुपए का, ये क्या चल रहा है? यही तो सवाल है। अब बाकी बड़े भाई साहब बोलेंगे, कहाँ रैली के लिए जा रहे हैं आप लोग? क्या नहीं, मैं सतना जा रहा हूँ जी। तो आज तो कमलनाथ आ रहे हैं यहाँ पर जी। जी तो आ रहे हैं ना लौटते, तो अच्छा आप भी जाएंगे जी? तो हमने देखा रास्ते में, देखा में सभी कोई जाएगा। अच्छा, सब लोग अपनी अपनी प्रेरणा से जाएंगे कि कोई नेता वगैरह के कहने पे जाने जी? अपने कोई नेता वाली से नहीं। अच्छा, जैसे सतना में कांग्रेस के विधायक पहले चुने गए हैं, यहाँ तो बीजेपी के थे, तो सतना में और यहाँ क्या फर्क देखने को मिलता है आप लोगों को, कुछ बताएंगे? सयान तो आप हैं, आप से सयान कौन है यहाँ पे? और भैया आप बताइए कहाँ से हैं? मैं यही कोठी से हूँ जी। हम सब लोग जी मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए जी 2014 में जी मोदी जी को वोट दिए कि अच्छे दिन हमारे आएंगे जी, मेरे जैसे युवाओं को रोजगार मिलेगा जी। मोदी जी बड़े अच्छे अच्छे सपने दिखाए और आज महंगाई कमर तोड़ दी। मेरे जैसा युवा पहले कोठी छोड़ के, भरजुना छोड़ के, शिवराजपुर छोड़ के दिल्ली बॉम्बे बेंगलोर रोजगार के लिए जाते थे, और अब वहाँ से भी काम न मिलने के कारण अपने घर, अपने गांव, अपने देश, अपने प्रदेश, अपने जिला, अपने तहसील आदमी वापस आ गया। आज महंगाई ने कमर तोड़ दी। महंगाई वो असर है, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे मध्यम वर्ग परिवार हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, महंगाई ने खाने वाला तेल 200 रुपए लीटर है। डीजल जब भी पेट्रोल डलाने जाओ या डीजल डलाने जाओ तो 1-2 रुपए डेली बढ़ रहा है। कब डीजल पेट्रोल बढ़ा देते हैं, कोई इनकी नीति नहीं है। इस बार पूरे मध्य प्रदेश में 4 उपचुनाव हो रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, और पब्लिक का ऐसा रुझान है कि कमलनाथ जी के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे, और 4 सीटों कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। रायगांव विधानसभा में लगातार स्वर्गीय जुगल किशोर बागरी जी
25 वर्ष से विधायक हैं, पर विकास नाम का कोई चीज नहीं, ना रोड है ना पानी है। कहीं भी एक मतदाता रहगांव विधानसभा का ये नहीं कह सकता कि हमारे गांव का या हमारे क्षेत्र का या हमारे प्रदेश का विकास हुआ है। 15 महीना कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे उस 15 महीने की सरकार में और 17 साल की सरकार में अंतर है। आपके भरजुना में जहां पर आज हेलीकॉप्टर उतरे गया माननीय कमलनाथ जी का, ये गौशाला के लिए जगह आरक्षित की गई थी। कमलनाथ जी ने गौशाला बनवाने के लिए फंड भी दिया था, चूना की लाइनिंग भी हो गई थी, पर यहाँ कुछ दमंगों द्वारा, बीजेपी के जो दमंग लोग हैं उनके द्वारा कब्जा किया गया है, जो पूरा क्षेत्र पशु से परेशान है, क्योंकि उनका जीवन जो चल रहा है वो किसानी से चल रहा है, पशु पूरा खेती ही चर जाता है। आज ये स्थिति है कि आदमी भूखे मरने के लायक है यहाँ का किसान। इस बार आने वाली 30 तारीख को यहाँ का एक एक मतदाता कांग्रेस के पक्ष में वोट करेगा और कमलनाथ जी के नेतृत्व में रहगांव विधानसभा की प्रत्याशी कल्पना वर्मा जी चुनाव जीतेंगी। धन्यवाद आपको। अच्छा ये बताइए भैया, आपकी कांग्रेस अगर चुन करके आती है, क्या संभावनाएं हैं, क्या आप लोगों का विचार है कि क्या सुधार आएगा इस क्षेत्र में? कांग्रेस जीतेगी तो मध्य प्रदेश में शिवराज जी की कुर्सी हिल जाएगी। अगर रहगांव में जीतेगी, रहगांव में एक विधानसभा से पूरे मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री, पूरे मध्य प्रदेश की कुर्सी हिलेगी। और शिवराज जी धर्म की बात करते हैं, भरजुना में आके चार कदम में माँ काली का भव्य मंदिर है, वहाँ पे वो दर्शन करने के लिए नहीं गए, कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र की जनता मतदान के दौर पे धर्म का विरोध करती है और धर्म के नाम पे कांग्रेस पार्टी को 30 तारीख को कल्पना वर्मा जी को वोट करेगी। धर्म के नाम पर भी करेगी और विकास के नाम पर, धर्म के नाम पे करेगी और परिवर्तन के नाम पे। परिवर्तन यहाँ बहुत जरूरी, लगातार आज यहाँ की जनता 30 साल से विकास के नाम से लोग वोट मांगते थे और कहीं कोई विकास आपको नहीं दिख रहा कहीं भी। बरसात में तो छोड़िए, आप अभी आज चले जाइए तो लोग बीमार हो जाएं तो 2 घंटा उनको अपने घर से 500 मीटर आने में लगता है। इस तरह की रोडें हैं, इस तरह का यहाँ का विकास है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।